सिर्फ डीडी न्यूज पर। नाम ले तो जगमाही सकल अमंगल मूल नसाही। जी हाँ, श्री राम का नाम ही ऐसा है। श्री राम का नाम लेते ही मंगल कार्य शुरू होने लगते हैं और तमाम जो अनिष्टकारी शक्तियां हैं वो नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही प्रभु श्री राम आ रहे हैं अयोध्या धाम और तैयारियां हो रही हैं पूरी, और इसी की जानकारी हम दे रहे हैं इस खास कार्यक्रम में डीडी न्यूज के माध्यम से। तो हम आपको बता दें कि श्री राम का नाम श्री राम के स्वयं विराट स्वरूप का प्रतीक है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तमाम तैयारियां पूरी हो रही हैं और ऐसे में ही जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, धार्मिक समारोह हैं, वो भी आकार लेने लगे हैं, उनका भी आयोजन हो रहा है। कैसे, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में गुजरात के परम संत श्री चिन्मयानंद बापू की राम कथा श्री सरयू के किनारे बसे प्रसिद्ध राम कथा पार्क में शुरू हो चुकी है। यहां देश भर से पधारे भक्तों ने राम कथा आयोजन का आनंद उठाया और कुछ लोग भगवान हनुमान के रूप में भी नजर आए। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक श्री भक्तमाल की बगिया में महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ परिक्रमा मार्ग पर श्री हनुमत महायज्ञ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां चरम पर हैं। यज्ञ भगवान श्री विष्णु का ही एक स्वरूप है और श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में जगह जगह कई यज्ञ महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। ये उन बड़े यज्ञों में से एक है जिसे अमृत महोत्सव किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1008 कुंडीय यज्ञ उसकी सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। कुंड बनकर के तैयार हो गए हैं। देश के कई हिस्सों से हवन सामग्रियाँ, यहाँ के भंडारे के लिए अन्न, सारी तैयारियाँ लगातार जारी हैं और इसका उद्देश्य यही कि विश्व में शांति का प्रसार हो, समरसता का प्रसार हो। भगवान श्री राम के वनगमन में प्रथम पवित्र पड़ाव रहा चित्रकूट धाम। संत जन बताते हैं भगवान श्री राम ने 12 वर्षों तक चित्रकूट में निवास किया। इस पवित्र चित्रकूट की धरती से पधारे पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के 75वें जन्म दिवस 14 जनवरी से ही इसकी शुरुआत हो रही है। प्रभु श्री राम जी के जन्म स्थान पे यहाँ पर जो 22 तारीख को प्रभु श्री राम साक्षात विराजमान अपने दिव्य अलौकिक भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, ये सौभाग्य हम लोगों को मिला 500 वर्षों के बाद। ये इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है और ये इतना एक अद्भुत है। वास्तव में हम लोग वाणी का विषय नहीं है, मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं, अनुभव का विषय है। बस यही है, मिश्री की डली मुंह में कहीं से भी डालो मीठी ही लगेगी, मीठी ही लगेगी और हर तरफ वही आनंद का ही अनुभव हो रहा है। राम भद्राचार्य जी के अलावा वृंदावन के कथा सम्राट श्री कृष्णचंद्र शास्त्री, श्री देवकी नंदन ठाकुर, साध्वी रितंभरा, कवि कई राम और कृष्ण कथाएं श्री राम राम अयोध्या में अपने आप को कृतार्थ करेंगी। तो समझिए कि यह यज्ञ जो है विष्णु स्वरूप है, पूरे अयोध्या में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। स्पष्ट तौर पर इस महोत्सव की शुरुआत जो कि 14 जनवरी से हो रही है, या फिर कहें कि सरयू के किनारे राम कथा के साथ हो चुकी है, वो आने वाले तीर्थयात्रियों को आनंद की एक अलग दुनिया में लेकर के जाता है। हमारे साथ कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री अयोध्या धाम।
तो महामहोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसके साथ ही तैयारियां हो चुकी हैं अन्य भी की, जिस तरह से देश और दुनिया से तमाम लोग यहां पर आ रहे हैं, तमाम श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं, उन्हें किस तरह से जानकारी दी जाए, उनकी सुविधा का किस तरह से ख्याल रखा जाए, सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी खास जोर दिया जा रहा है। और इसी के तहत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम जो यहाँ पर सुविधाएँ हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। राज्य और केंद्र सरकार जो है इसमें मिलकर काम कर रही हैं, समन्वय के साथ काम कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी किस तरह से इस प्रसारण को, इस महामहोत्सव को जन जन तक पहुँचाया जाए, देश और दुनिया में कोने कोने में इसकी भी व्यापक तैयारी है। उनसे हमने खास बातचीत की, देखिए इस बातचीत के कुछ अंश। इस वक्त सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक टीम भी यहाँ पर मौजूद है। सूचना प्रसारण मंत्रालय सचिव हमारे साथ मौजूद हैं, अपूर्व चंद्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ उन्होंने देखी हैं। सर, आप पहले भी आए थे, पहले भी आपने देखा, इस बार आपने क्या परिवर्तन देखा, किस तरह की तैयारियाँ? हाँ, मैं यहाँ पर लगभग 8-10 महीने पहले आया था, उसके बाद से अब तो यहाँ पर पूरा उत्साह का वातावरण है, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और मंदिर जो है श्रद्धालुओं के लिए 24 तारीख से खुलेगा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही एक यहाँ पर इसका जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो देखने को वो लाजवाब है। और जो आज भी आया, एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और INV डिपार्टमेंट दोनों की व्यवस्था देखने को, क्योंकि यहाँ मोटी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, पूरे देश से अंतर्राष्ट्रीय भी आएंगे, तो उनकी हेल्थ की किस तरह से व्यवस्था है, कहाँ क्या यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, इमरजेंसी रिस्पांस किस तरह से होगा, ये भी देखा। किस तरह से तैयारियाँ हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जन जन तक इसको पहुँचाने की, सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। दूरदर्शन की तो आज जो है पूरे CEO से लेकर दूरदर्शन की पूरी टीम है यहाँ पर, तो दूरदर्शन ने तो डायरेक्ट टेलीकास्ट का 15 तारीख से पूरी व्यवस्था करी है। 22 तारीख को जो है पूरा कार्यक्रम का देश में विदेश में पूरी तरह से दूरदर्शन उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। दूरदर्शन की एक अनूठी पहल है HIE समाचार, तो क्या उसके ज़रिए भी यहाँ पर जो दर्शक हैं या जो दूरदर्शन के उस तरह के दर्शक हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था है? हाँ, क्योंकि राम तो पूरे देश के में उनकी लोग उनके बारे में जानना चाहेंगे, राम मंदिर के अंदर जो कार्य हो रहा है, और उस पर दूरदर्शन ने बहुत ही अच्छी पहल करी है कि जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड हैं सबके लिए इसका ख्याल रखा जाएगा। दूरदर्शन की तो बहुत बड़ी टीम यहाँ पर रहेगी, मुझे जो बताया गया कि लगभग 200 से 250 दूरदर्शन के कर्मचारी यहाँ पर रहेंगे, कैमराज लगभग 38 से 40 कैमरा रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे आएंगे और जैसा उनका जहाँ जहाँ कार्यक्रम होगा उसका पूरा, बाकी जो लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनका भी, उनको भी कवरेज, और यहाँ जैसे अब ये राम की पैड़ी है यहाँ का कवरेज, जो भी महत्वपूर्ण सारे सबका कवरेज यहाँ से लाइव रहेगा। कैमरामैन योगेश के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज अयोध्या धाम। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की है बड़ी तैयारी, क्योंकि जन जन के हैं राम और तैयार है अयोध्या धाम। दूरदर्शन और आकाशवाणी ने इस विशेष कवरेज के लिए, महामहोत्सव के लिए बड़ी तैयारी की है, और इसके साथ ही दुनिया भर के मीडिया हाउसेस के साथ फीड साझा की जाएगी। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। राम मंदिर की प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रसार भारती परिवार ने भी बड़ी तैयारियां की हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रसार भारती के CEO, बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन की इस भव्य कार्यक्रम के लिए क्या तैयारियां? हमारे सभी दर्शक और श्रोता अवगत हैं कि एक ये बहुत ही विराट आयोजन 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और इस कार्यक्रम को लेकर के पूरे देश में और विदेश में काफ़ी जिज्ञासा है, काफ़ी कौतूहल है, और लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की कवरेज के लिए काफ़ी विस्तृत तैयारियां की गई हैं। जो मुख्य कार्यक्रम है 22 तारीख का, उस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा, और दूरदर्शन फिर एक बार
जैसा कि G20 में हुआ था वैसे ही पूरा 4K में एकदम उच्च कोटि का एक प्रसारण यहाँ से रहेगा और ये प्रसारण दूरदर्शन के द्वारा कवरेज किया जा करके फिर सभी अन्य चैनल्स को, चाहे वो भारतीय हों या अन्य विदेशी चैनल्स हों, उनको भी हम फीड प्रोवाइड करेंगे। तो चूंकि ये केवल हमारे अपने उपयोग के लिए भी नहीं है बल्कि सभी पूरे समस्त विश्व में जो प्रसारण होगा वो उस स्तर का हो जिससे कि लोगों को इस पूरे आयोजन की भव्यता के बारे में अनुमान मिल सके। इसके अलावा इसी कार्यक्रम की लाइव कमेंट्री हमारे आकाशवाणी के चैनल्स पर भी की जाएगी ताकि जो लोग किसी कारणवश स्क्रीन पर नहीं हैं तो वो लोग कम से कम ऑडियो में इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लगातार प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही साथ हमारे डिजिटल माध्यमों पर भी इस कार्यक्रम को हम लोग प्रसारित भी करेंगे और ऑडियो भी इसका उपलब्ध रहेगा। तो सर, लेकिन प्रसार भारती की अगर हम बात करें तो 99% से ज़्यादा हिस्सा जो हमारा टेरेस्ट्रियल टेलीकास्ट है उसका हम लोग कवर करते हैं, सबसे ज़्यादा रीच है। मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा देशों में हमारा डीडी इंडिया इंटरनेशनल चैनल देखा जाता है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी G20 की तरह यहाँ प्रेजेंट रहेगा और हम लोग पूरे दुनिया तक अपनी अपनी जो विरासत है उसको पहुँचाने की तैयारी कर रहे हैं? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक यहाँ पर मीडिया सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के, और कुछ संख्या में, मेरे ख्याल से काफ़ी संख्या में जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं विभिन्न मीडिया हाउसेस के, वो लोग यहाँ अयोध्या जी में खुद भी उपस्थित रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो हमारी स्टैंडर्ड व्यवस्था फीड उपलब्ध कराने की है वो व्यवस्था रहेगी, तो जो भी चैनल्स हमसे संपर्क कर रहे हैं उन्हें हमारी नियमित जो प्रणाली है उसके हिसाब से हम फीड उपलब्ध करा देंगे। इस मुख्य कार्यक्रम के अलावा भी हमारे दूरदर्शन और आकाशवाणी के द्वारा यहाँ पर इसके बिल्डअप के जो कार्यक्रम हैं उनको भी कैप्चर किया जा रहा है। 1 तारीख से DD न्यूज़ पर ये कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और अगले 3-4 दिन में फिर DD नेशनल पर भी हम ये कार्यक्रम रोज़ आयोजित करेंगे। रोज़ हमारा न्यूज़ पर 1 घंटे का और DD नेशनल पर 2 से 3 घंटे का कार्यक्रम रहेगा जिसमें इस पूरे भव्य आयोजन के जो अलग अलग पहलू हैं, अयोध्या में जो विकास कार्य हुए हैं और इसके अलावा जो पुरानी जगहें थीं जिनका कि जीर्णोद्धार करके अब एक नया स्वरूप जिनको दिया गया है उसके बारे में भी हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे। सर, एक अंतिम सवाल ये कि जब दूरदर्शन ने 80 के दशक में रामायण सीरियल का प्रसारण किया तो उसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध के रख दिया। यहाँ भी हमने देखा कि अलग अलग स्थानों पर उसी रामायण के सीरियल को प्रसारित करते हुए लोग रात बिता रहे हैं, ये और बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि रामायण के कुछ दृश्य फिर से एक बार दूरदर्शन पे आए। लेकिन ये जिस तरह से रामायण ने जोड़ा पूरे देश को, पूरी दुनिया को, शायद ये भव्य आयोजन भी इसी तरह की कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहा है। ये हमारे राष्ट्र की आस्था का विषय है और आस्था से जुड़े कार्यक्रम हमेशा लोगों को जोड़ते ही हैं, और किसी विशिष्ट कार्यक्रम के बारे में हम ना भी कहें तो हमारी जो दूरदर्शन की भी जो हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, कि जब भी ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने हमारी हेरिटेज के बारे में, विरासत के बारे में बात की है, चाहे वो धार्मिक विरासत हो, चाहे वो सांस्कृतिक विरासत हो, तो देश के सभी हिस्सों से लोगों ने उसको बड़े प्यार से ग्रहण किया है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये प्रयास भी उसी प्रेम के साथ हमारी जो ऑडियंस है वो ग्रहण करेगी और हमें प्रोत्साहित करेगी आगे जाकर और बेहतर काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए और दूरदर्शन से बात करने के लिए। तो स्पष्ट तौर पर विकास और विरासत, तो नई अयोध्या का विकास हो रहा है और विरासत की एक नई गाथा पूरे दुनिया में जाने को तैयार है। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, सरयू घाट, अयोध्या धाम। तो एक बड़ी तैयारी है यहाँ की पारंपरिक विरासत को, संस्कृति को, और किस तरह से अब जड़ों से जुड़ने के बाद विकास किया जा रहा है, विस्तार दिया जा रहा है, उसे दुनिया भर में जन जन तक पहुँचाने की, तो सभी स्तरों पर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम ने भी किए हैं खास इंतज़ाम रैन बसेरों के माध्यम से, जहाँ पर कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु रुक सकते हैं और ये व्यवस्था है बिल्कुल निशुल्क। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सूर्य स्तंभ। भले ही अयोध्या में इस वक्त
सूर्यास्त हो चुका हो, लेकिन ये नए सूर्य स्तंभ उभरते हुए अयोध्या के नए प्रतीक हैं। धर्मपथ से लेकर के लता मंगेशकर चौक तक ये जो विशेष सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनको कोई भी क्षति लंबे समय तक नहीं पहुंचने वाली है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लखनऊ से बाईपास निकला है जो कि अयोध्या का सबसे ज़्यादा बिजी बाईपास है। मेरे सामने इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि लंबी लंबी गाड़ियाँ जो फ्लाईओवर बना है उसके ऊपर से जा रही हैं और ये सबसे ज़्यादा बिजी है। यहाँ से यहीं से आपको बस पकड़नी होती है, यहीं पे जो यातायात के साधन हैं वो आपको मिलते हैं, तो सबसे बिजी स्ट्रीट के तौर पर आप देख सकते हैं। इसी स्ट्रीट से आप सीधे धर्म मार्ग होते हुए लता मंगेशकर चौक में जाते हैं और जितने भी अयोध्या के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं उनकी यात्रा पर जाते हैं। लेकिन चूँकि कहानी हमारी ये है कि अयोध्या की रात होती कैसी है, तो आप ये देखिए कि नगर निगम अयोध्या ने जो निशुल्क रैन बसेरा बसाया है तीर्थयात्रियों के लिए, वहाँ पर हम आ चुके हैं और देखते हैं कि महिलाओं का रैन बसेरा अलग है, पुरुषों का रैन बसेरा अलग है। तो हम पुरुषों के रैन बसेरे में इस वक्त थोड़ी सी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। मेरे सहयोगी जो कैमरामैन हैं रमाकांत शर्मा जी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देखिए कि ये सभी लोग निःशुल्क व्यवस्था, बढ़िया यहाँ पर व्यवस्था सभी को, जो बिस्तर की व्यवस्था है, रजाई ओढ़ने की व्यवस्था है, कंबल की व्यवस्था है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सोने में किसी भी सामान्य व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये रैन बसेरा नगर निगम चला रहा है या कौन किसके तत्वाधान में चल रहा है? सर ये नगर निगम चला रहा है, सर देख रहे हैं, नगर निगम कर रहा है, सिक्योरिटी को दिया है सर टेंडर, सिक्योरिटी देख रही है सर। थोड़ा सा जीवन बताइए, ये लोग कैसे आते हैं आपके पास, कैसे पता चलता है कि यहाँ पर रैन बसेरा है, आप कैसे सुविधाएं देते हैं? सर बसों से उतरते हैं, रात में आते हैं 1 बजे 2 बजे, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, तमाम तरीके के लोग आते हैं सर और देना पड़ता है व्यवस्था उसके बाद सब पूरी तरह। आधार कार्ड लेना पड़ता है सर, आधार कार्ड सबसे ज़रूरी है, आधार कार्ड अनिवार्य है। आधार ये तो पुलिस की व्यवस्था है कि किसी को भी आप अगर आश्रय दे रहे हैं, चाहे वो रैन बसेरा हो या फिर होटल हो या फिर कोई भी हो, पुलिस दो बजे रात को सीओ साहब एसएसपी साहब दौड़ा करते रहते हैं, डीएम साहब अयोध्या के। ये सुविधा पूरी तरह से निशुल्क है? निशुल्क, एक भी पैसा नहीं। तो ये है कि अगर आप तीर्थयात्री हैं, फंस गए, मान लीजिए आपकी ट्रेन आपकी बस थोड़ा सा देर में पहुंची, तो भी आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक ठीक ठाक यहाँ पर साफ़ सुथरा कमरा आपको मिल जाएगा जिसमें आप कम से कम रात बिता सकते हैं और सुबह होते ही अपने किसी नए ठिकाने पर जा सकते हैं। है राम कण कण में, है राम सर्वत्र है राम, और इन्हीं राम लला को देखने के लिए, इनकी प्राण के लिए देश दुनिया से लोग आ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये एकता के भी एक प्रतीक के सामने आ रहा है, विशेषकर उत्तर और दक्षिण के संबंध की बात करते हैं तो विध्यात्म के स्थल धार्मिक वहां पर आकर कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और एक मन से, आचार व्यवहार अलग होता है लेकिन एक मत से जब वो राम नाम की धुन में गाते हैं तो अपने आप ही समा बन जाता है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने बात की राम लला सदन के पीठाधीश्वर राघवाचार्य जी से। इस समय हम अयोध्या के उस पवित्र स्थान पर हैं जहाँ पर श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ था और हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं यहाँ पर, श्री राम लला सदन देवस्थान के पीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी महाराज। गुरु जी बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का संगम बड़ा अद्भुत है, वो थोड़ा सा बताइए इस प्रकाश में कि अब राम मंदिर बन करके तैयार होने जा रहे हैं। भागवत के महात्म्य में वेद व्यास जी लिखते हैं कि भक्ति महारानी जब नारद जी से मिली तो उन्होंने कहा कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ, फिर गुजरात होते हुए भक्ति वृंदावन आई। तो भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में,
और भक्ति की किसकी जाती है? भगवान की जाती है। तो भगवान का प्रादुर्भाव उत्तर भारत में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम का, तो उत्तर और दक्षिण का ये ऐसा सुंदर मिलाप है कि भक्ति के बिना भगवान अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्ति अधूरी है। भक्ति की किसकी जाए? बोले भगवान की। और भगवान का, भगवान अगर हैं तो भगवान की भक्ति करना अनिवार्य है। इसलिए भक्ति और भगवान के समन्वय ही दक्षिण उत्तर का एकीकरण है। और यहाँ पर जो मंदिर विराजमान है, अभी आपने देखा दृश्य के माध्यम से, यहाँ पर बहुत प्राचीन लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर था जीर्ण शीर्ण। जब मेरे अधिकार क्षेत्र में आया तो मैंने इसका जीर्णोद्धार प्रारंभ किया और मेरे मन में विचार आया, भक्ति द्रविड़ में उत्पन्न हुई और उत्तर में भगवान, तो द्रविड़ और उत्तर का एक संगम यहाँ दिखाया जाए। और यह कल्पना मेरी साकार हुई और भगवान की कृपा से द्रविड़ शैली में मंदिर का निर्माण हुआ। और यहाँ मंदिर में भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का विग्रह विराजमान है। और यहाँ पर एक और विशेषता कि जो मंदिर में उत्सव मूर्ति विराजमान है, वो उत्सव मूर्ति लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। दक्षिण भारत में श्री रामेश्वरम में त्रिपुल्लाणी क्षेत्र में एक दर्भशयन भगवान का दिव्य देश है। वहाँ की जो मूर्ति थी, पूजा की मूर्ति, उन भगवान ने एक स्वामी थे पार्थसारथी स्वामी, उनको स्वप्न दिया था। तब उन्होंने बैलगाड़ी पर रख करके उन विग्रहों को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत पधराए और फिर भगवान की यहाँ सेवा पूजा हो रही। तो इतना प्राचीन विग्रह यहाँ पर उत्सव मूर्ति के रूप में विराजमान है। और मंदिर के गर्भगृह में ही बगल में रंगनाथ भगवान का मंदिर भी है। यहाँ रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देवता थे। रंगनाथ भगवान राम जी के कुल देवता थे, भगवान नारायण की मूर्ति। तो विभीषण जी को रंगनाथ भगवान की मूर्ति भगवान राम ने दे दी थी। उनको विभीषण जी ले जा रहे थे लंका, लेकिन वो तमिलनाडु में तिरछी में विराजमान हो गए कावेरी के मध्य में। तो वे रंगनाथ भगवान नारायण की जो मूर्ति है वो अयोध्या के कुल देवता हैं। और अयोध्या के कुल देवता दक्षिण में जाकर के विराजमान है, यह भी अयोध्या का एक अद्भुत संबंध है। भगवान श्री राम भक्तों की भावना के अनुरूप फिर से प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं, हालांकि वो तो अनित्य हैं, हमेशा ही रहते हैं, उस पर चलते चलते आपका अपना विचार। भगवान श्री राम, ये अयोध्या ही राम जी का स्वरूप है। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्यहम। तो ये अयोध्या ही ब्रह्म का स्वरूप है और सरयू जी सगुण ब्रह्म हैं और यहाँ रहने वाले जितने प्राणी हैं सब जगन्नाथ के स्वरूप हैं। अयोध्या अयोध्या वासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। अयोध्या की जो प्रजा है ये जगन्नाथ का ही स्वरूप है। तो अयोध्या अपने आप में सदा परिपूर्ण है, नित्य प्रतिष्ठित है और नित्य इसकी महिमा है। हाँ, कालखंड में ऐसी सारी स्थितियाँ सृजित हुई कि भगवान श्री राम का जो प्राकट्य स्थल है, जहाँ पर भगवान प्रकट हुए, जिसको हम राम जन्मभूमि कहते हैं जी, तत्वतः भगवान का जन्म नहीं हुआ। भगवान जन्म और मरण से परे हैं। माँ कौशल्या के सामने उसी स्थान पर जहाँ आज राम जन्मभूमि है, वहाँ पर परब्रह्म परमात्मा भगवान सच्चिदानंद भगवान श्रीमन्नारायण ही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए दिव्य तेजोमय माँ कौशल्या के सम्मुख प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तब माँ कौशल्या ने कहा कि आप आए हैं, तो भगवान ने कहा हम पुत्र बनने आए हैं आपके। तब माँ कौशल्या ने कहा आप पुत्र बनने आए तो पुत्र जैसे बन जाइए। तब सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। तब भगवान बालक बन गए। यही भगवान का जन्म माना जाता है, इसी को प्राकट्य कहें, भगवान का जन्म कहें, वही जन्मस्थली है। तो सर्वप्रथम भगवान जहाँ इस पृथ्वी पर अयोध्या की उस भूमि पर प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, वही भगवान की जन्मस्थली है और वही राम जन्मभूमि है और वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और मुझे लगता है कि 22 जनवरी के दिन, हालांकि यहाँ तो नित्य उत्सव रहता ही है इस प्रांगण में, लेकिन उस दिन और भी विशेष उत्सव हमें देखने को जरूर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अयोध्या में श्री संपदा है, जिससे जैसा कि महाराज ने बताया कि श्री रामानुज भगवान और बाद रामानंद भगवान, उन्हीं की परंपरा में ज़्यादातर संत ज़्यादातर मठ मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं और सभी लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं 22 जनवरी का, जब भगवान श्री रामलला अपने नए प्रांगण में अपने नए भवन में फिर से पुनः प्राण प्रतिष्ठित होंगे। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, रामकोट, अयोध्या। तो भगवान और भक्त के संबंध की बड़ी ही सुंदर